घोंसला का घोंसला स्क्रिप्ट सिचुएशंस आई थिंक वी मेड रिलेशनशिप्स फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ है ना ये वो पॉज बटन पर वैसे टेप रिकॉर्डर के पॉज पॉज बटन की तरह है कि हम जहाँ से दबाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं एंड दैट इज एंड वैन सविता जी टोल्ड अस अबाउट लास्ट टू मी दैट शी इज थिंकिंग ऑफ इट तो अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है टेक्निकल की कितना दे रहे हैं क्या दे रहे हैं मगर हमें इस बात की खुशी ज़रूर है कि आ, है? नहीं ऑन रिकॉर्ड में ये बोल रहा हूँ कि हमें बहुत खुशी हुई जब आपने पार्ट टू की बात की पर हमने यस yes बोल दिया बाकी नेगोशिएशंस जो हैं वो <laughs> क्योंकि मैं इनको सब लोग हम इनको खुराना साहब भी खुराना लेडी खुराना भी बुलाते हैं she's a tough producer, but a good producer. we had a great time working oh. in this film. Anupam Ji was the amazing master of ceremonies for all that. and we had so much fun. so even though it was I'm a not struggle, it was hadra, a great experience. food, yeah, yeah. You remember? Andhra food, andhra food. but i just want to say that the reason this film got finished and released two people, they're both sitting here first of all of course the producer savita ji Thank and you. second anupam ji who yes. kept the spirits of the whole Absolutely. cast and crew up during difficult times and uh, and kept it going and pushed it to get finished and savita ji i think very few people would have managed to do what she did with such a, 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 a film मुझे एक सीख जरूर मिली वो ये थी लगातार करियर में, <laughs> में अकाउंट खुला रहेगा सो ऐसी रिश्ता मेरा बरकरार बोल रखू आपको बाथरूम नहीं जा सकते वहाँ यूरिनल में खड़े हो तो साथ में अचानक ऐसे आएगा फिर देखेगा फिर सीधा करेगा और फिर बोलेगा यहाँ हम पेशाब करने आए जी सो आई थिंक इस फिल्म की इट हैज़ सर्टनली अर्न द कल्ट स्टेटस इट्स ए कल्ट फिल्म आप ड्रिंक कैसे बनानी है hmm. श्रंजी पहले बर्फ डालते हैं या क्या डालते हैं इसके मुहावरे हैं देखिए जैसे शोले के अपने हिसाब से मुहावरे बने कितने आदमी थे आ, ये सब रहीम चाचा वगैरह के सब के डायलॉग सिक्के तो, ये अपने आप में इस लेवल की जो फिल्म है ये हर डायलॉग पे लोग ब्रोकर हैं या पार्टी पीपल हाँ। बहुत ज्यादा आई मीन काइंड ऑफ़ सपोर्ट आई एक्चुअली गई गई थी थी टैक्सी वाले हमारे पीछे पड़ गए थे <laughs> हाँ। होटल से बाहर निकाल दिया था हाँ, बहुत कुछ हो रहा था बिकॉज <laughs> एकदम से किसी के चेक बाउंस होते जा रहे थे जिसके हमनेटिंग योर सेल्फ राइट नो बाई से

और हरेक का कैरेक्टर कमाल का हरेक का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर है और मुझे लगा कि ये रुक गई ना तो ये कभी बन ही नहीं सकती गर्मियाँ इतनी ख़तरनाक हम ओल्ड दिल्ली में शूटिंग करते थे मुझे वो घर भी याद है और आ, सो इसलिए आई थिंक वी आई डिवाइज्ड और वी डिवाइज दैट वी लेट्स कीप प्लेइंग गेम्स तो हम विच टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फिर हम मैं और अपने बंटी जी मैं और रणवीर हम हैदराबाद हाउस में खाना 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 खाने जाते थे हम किसी ना किसी तरीके से डम्प श्राट्स बर्ड बिल्डिंग ये कुछ ना कुछ खेलते रहते थे ताकि परेशानी आप बाहर खड़े होते थे टैक्सी वाले फिर कभी कभी मैं अपने पैसों से भी आया मैंने एक दो दिन इनको भी पैसे दिए बट ये तभी हो सकता है जब स्क्रिप्ट कमाल का हो हमें यह पता था तो इसलिए मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं इनसे कह रहा था सविता जी जैसे कि मुगल आज़म भी दस साल रुकी थी आई एम नॉट ट्राइंग टू कम्पेयर आर फिल्म विद दैट बट इट इज़ ए मुगल आज़म ऑफ स्मॉलर फिल्म बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए मैं बाहर अभी कल से ही निकलना शुरू हुआ आधा घंटा और आज भी थोड़ी देर के लिए आया हूँ बस लेकिन ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी इस फिल्म के के, के 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 लिए और सब कास्ट के लिए क्योंकि इस फिल्म ने इतना कुछ किया है सब के लिए स्पेशली जैसे मैंने बोला सविता जी और अनुपम जी ने इस फिल्म को आ, इनके बिना ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती एंड इतनी आइकॉनिक फिल्म है कि ये हम सब के साथ जुड़ी हुई है यू you नो know, हमारे नामों के साथ हमारे जो ये कैरेक्टर्स हैं ये हमारे साथ इतनी स्ट्रॉगली जुड़ी हुई है कि हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फिल्म के के लिए और सब आपस के लिए तो उसके लिए अपना आना जैसे भी था जरूरी था थोड़ी देर के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ आई डोंट ड्रिंक बट कभी भी ड्रिंक लेते हैं तो कहते हैं जी पहले बर्फ़ डालनी है या पहले विस्की डालनी है ये मतलब ये खास कर दिल्ली जाओ तो हमेशा ही ऐसा होता है तो ये जो कहानी है बहुत बहुत यूनिक है और मेरे ख्याल से ये थिएटर का जो मतलब जो सीन्स है और जो मतलब रिश्ता है मेघना का कैरेक्टर का इट्स रियली वेरी रियल एंड एक्चुअली आई जस्ट री वॉच द फिल्म बिकॉज आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर फॉर दिस बिकॉज आई हैव नो मी एंड माई होमवर्क नो बिकॉज एंड आई रियलाइज यू नो इट्स एक्चुअली माई चिल्ड्रन आर नाउ बिग हाँ देर फिफ्टीन एंड थर्टीन ऑनिस्टली आई लव ऑल द फिल्म हैव बिन इन बट इट्स द वन फिल्म दैट दे watch their friends have watched they laugh they find it relatable and i think that's why the re-release is even more special because it's going to expose the film to a whole new generation. and of course, it's been there on ott and whatever, but to actually go to the cinema and watch it is amazing. and i'm very happy to see that we're all looking the same. yeah, mm -hmm. yeah. hopefully. so Only hopefully you see. Yeah. Dechye, uh, I d uh, not to sound depressing, but <laughs> yeah. the yeah. identity of yeah. yeah. I I I students go even iit and all this. Uh, they in the evening, in Delhi I T, they sit in the evening and only do Antakshri of Khosla dialogues. <laughs> and they ah. all play. Yeah, yeah. No, no. yes. One but young generation khosla. will certainly. Atwoda mar do and all that kind of. Sir, garam hai, thoda mar do, whatever. I mean, That's they just have really to. They really and there's so many families. <laughs> they but say we every run run week we watch this film once. And someone was saying my fa father is so unwell because he loved the film. He get, eats dinner because he watches the film. ये हमारी प्रोड्यूसर हैं ओहो इंटरव्यू खत्म होने को आगे हमने बताया नहीं है ये सविता राज जी हैं ये बहुत बड़ी प्रोड्यू सविता राज जी हमारी प्रोड्यूसर हैं और ये आपसे कह रही थी कि मैं ये कह रही थी जो अनुपम जी ने बोला मैं उसको रिपीट कर रही थी 18 अक्टूबर को सिनेमा हॉल्स में जरूर आइए नहीं मैं भी यही कहूंगा कि 18 अक्टूबर को सिनेमा घरों में घोसला का घोसला लग रही है आपकी चहेती फिल्म तो मौका मत गवाई सब लोग प्लीज आइए घोसला का घोसला अभी वापस आ रही है एटीन अक्टूबर को ये फिल्म जो है वो फैमिली और दोस्तों के साथ देखने देखने का ही वो लायक है और उसी का मजा है

इमोटल रहती है uh, कितने कितना पैसा बनाया कितने हफ्ते चली uh, ये रिकॉर्ड वो सब ठीक है वो भी बहुत जरूरी है बट दे शुड नॉट बी फॉरगॉटन ग्रेट फिल्म फॉरगॉटन आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फिल्म एंड फैक्ट दैट इसकी री रिलीज हो रही है इट मीन्स दैट इट्स देखने? बिल्कुल जाएंगे आप, बिल्कुल जाएंगे मुझे तो तक ध्यान है, ये फिल्म मुन्ना भाई uh, मुन्ना भाई कर चुके थे धरना uh, मनाए हो गया था और uh, मैं डरा हुआ था और अच्छी बात है करैक्टर किरदार ऐसा था हाँ मैं डरा हुआ था और ये अच्छी बात है डरना भी ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू आर अनफ्रेड इट मीन्स दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट इट मीन्स यू नो द कैरेक्टर आई डिड नॉट नो द कैरेक्टर मैं कैरेक्टर को डिस्कवर करने की कोशिश में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था और दो चार बार मुझे मैंने मना कर दिया मैं गलत हूँ इसके लिए आई एम द रॉन्ग मैं बॉम्बे का पारसी साउथ बॉम्बे का पारसी ये कैसे कर पाऊंगा मैं बट चैलेंजेस में भी मजा आता है ना फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया फिर मजा आने लगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ बम्बे शहर से बाहर का कैरेक्टर करने का मौका मुख, मिला मुझे आई फील इट डिड यू आर एब्सोल्युटली राइट इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर अदरवाइज सब लोग बोलेंगे कि यार ये ये टाइप का कैरेक्टर सूट पहन के ये डॉक्टर बनेगा या सूट पहन के प्रोफेसर बनेगा दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बहुत बहुत बनने वाला आदमी तो वो, कि ना ना, वो सबसे बड़ा अच्छा है। किसी को पता नहीं बता प्रुण। प्रुण। ने आपको बताया हमें नहीं बताया बिल्कुल हमें बताया एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो भी हर चीज का एक वक्त होता है उसका अनाउंसमेंट धुआंधार अनाउंसमेंट करना चाहिए एंड होपफुली बने पिक्चर बजट शायद पहले से अच्छा हो <laughs> मैं फिर भी बता देता हूँ uh, मेरी फिल्म का जो वर्ल्ड प्रीमियर हुआ शिकागो में हुआ वन ओवर द बेस्ट पिक्चर एंड रिटन को रिटन एंड डायरेक्टेड एंड एक्टेड एंड प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस द फिल्म द मेहता बॉयज लेकिन उसके बारे में फिर कभी बहुत सारी बातें करनी है बहुत सारी बातें करनी है Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.